सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इस इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। सपोज इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसको सेकंड, और इसमें बोथ में डेसिमल वाले नंबर है, तो इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं या होल नंबर में। तो इसमें हम पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो इसमें हम इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ये होगा 10, ये भी होगा 10 और ये भी 10, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 10। सो 2x प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 13/10। इसमें 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं तो ये होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सपोज दिस इक्वेशन इज थर्ड। और नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो इसमें पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये होगा 10, यहाँ पे होगा 5/10 और ये 4/10, और फिर इनका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4x प्लस 5y और ये 23/10, 10 से 10 कैंसिल। सो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। सपोज दिस इक्वेशन इज 4। और अब हम इसमें लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो हम इसमें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो इसमें हम y को x के टर्म में चेंज कर लेंगे तो इससे x की वैल्यू पहले फाइंड होगा। 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, सो y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। सपोज दिस इक्वेशन इज फिफ्थ, और इस y की वैल्यू को हम इस फोर्थ में पुट कर देंगे इक्वेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर, तो ये होगा 4x प्लस 5 इंटू इस y के प्लस में लिख देंगे ये 13 माइनस 2x अपॉन 3, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा 65 माइनस 10x अपॉन 3, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा 3। 12x प्लस 65 माइनस 10x इक्वल टू 23। ट्वेल्व में 10 लेस करेंगे ये होगा 2x प्लस 65, और इस 3 को इधर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये होगा 2x इक्वल टू 69 माइनस 65। ये होगा 4, सो x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, और फिर इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें
इक्वेशन फिफ्थ में, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फिफ्थ, सो y इक्वल टू, तो यहाँ इस x के जगह पुट करेंगे 2, 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, इक्वल टू 3, सो देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 आंसर।